छतरपुर जिले नौगांव तहसील कार्यालय के सामने पत्रकार भूपेंद्र अहिरवार कवरेज करने 30 अगस्त को 12 बजे के करीब गया, जहां पर एसडीएम बीबी गगेले द्वारा जाति सूचक गाली गलौज करके मारपीट की और श्री गगेले जी के गनमैन ने भी मारपीट कर अपमानित किया और पत्रकार भूपेंद्र अहिरवार ने नौगांव थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन न्याय न मिलने पर एसपी छतरपुर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन फरियाद को न्याय नहीं मिला तो पत्रकारों के साथ जन समुदाय को लेकर तहसील कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन यदि एसडीएम नौगांव पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। नौगांव तहसील कार्यालय के सामने पत्रकार भूपेंद्र अहिरवार के साथ जन समुदाय और पत्रकार साथी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखना यह है कि एक तरफ मीडिया को चौथा स्थान दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर एसडीएम नौगांव कानून को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। यदि इसी प्रकार का रवैया रहा तो पत्रकार को कवरेज करना मुश्किल पड़ सकता है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, तमाम समाजी संगठन हमारे साथ आए। भूपेंद्र अहिरवार को विगत 30 तारीख में जो घटना माननीय एसडीएम साहब ने की है, एक नंदनीय घटना है और वो जानते थे कि व्यक्तिगत उनको जानते थे कि अनुसूचित जाति का है और भी पत्रकार वहां खड़े थे, किसी को नहीं उन्हें गाली दे के उनको बुलाया, उन्होंने इनको गाली दी, जाति सूचक गाली दे के अपमान किया और इनको सुरक्षा कर्मी ने इनके हाथ पकड़ के इनके साथ मारपीट की। ऐसे में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, जिसे कहते हैं मीडिया कहीं ना कहीं अपमान होता है। हम मीडिया कर्मियों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट एसडीएम महोदय को तत्काल यहां से मुख्यालय से हटाया जाए, जिससे शासन प्रशासन में एक संदेश सही जाए, लोगों में संदेश सही जाए, ताकि न्याय की गुजार कर रहे हैं समाज के लोग। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो माननीय तहसीलदार जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम एक हफ्ते बाद अगर न्याय प्रक्रिया सही नहीं होती है, माननीय एसडीएम साहब का एक्ट्रोसिटी एक्ट कायम नहीं होता है और वहां यहां से संतरण का नहीं होता है, तो जे समाज तमाम समाज संगठन इकट्ठे होके उग्र आंदोलन करेंगे, उस उग्र आंदोलन में शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। 302 आईपीसी के तहत कुतुबखान एक ऐसी धारा होती है जिसमें आजीवन कारावास होने के बाद अभी सड़ जाता है। ऐसे केसों में हमारी पुलिस व्यवस्था नहीं करती है, साथ ही आप देखते हैं उसके परिजनों पे 307 लाख दिया जाता है, फिर उसमें 307 अगर उसका लाता है तो उसकी पत्नी पे भी 307 बनता है, फिर उसकी बच्ची पे 307 बनता है, क्योंकि उसका लड़का है जो मस्तिष्क बीमार है तो वो उसके परिजन भी उसकी जिम्मेदार है, उसका मस्तिष्क खराब है तो उसकी माँ भी जिम्मेदार है, उसकी छोटी बहन भी जिम्मेदार है, उसका पति भी जिम्मेदार है। एसडीएम साहब गाली देके जनसंपर्क पत्रकार लोकतंत्र की चौथी व्यवस्था और एसडीएम साहब चिन्हित जानते हैं इनको, एक एरवार है और एक एससी का, इसके बाद भी उसको चिन्हित करे गाली देता है, पकड़ा उसको। जे आप लोकतंत्र को पीड़ा करोगे, ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं? मुझे चिन्हित करके माननीय एसडीएम महोदय ने कवरेज करने के लिए एक ज्ञापन हुआ था तहसील में, उसका कवरेज करने के लिए बाहर आया था। मुझे वो जानते थे व्यक्तिगत कि अनुसूचित जाति वर्ग का ये पत्रकार है और बाकी और भी लोग खड़े हुए थे बाहर, उन्होंने मुझे चिन्हित करके पकड़ो इसको गाली देकर अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान किया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन करेंगे और अनशन भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे। क्या मांग मांग हमारी है माननीय एसडीएम महोदय की कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए एससी एसटी एक्ट के तहत और अन्य लोकतंत्र का पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसका भी अपमान हुआ है,